अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में फैक्टराइजेशन की फोर टर्म्स की टैब नंबर फोर, पहचान सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह से हम इसको कैच करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। इसमें दो टर्म्स का क्यूब आ रहा होगा, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। इन दोनों में ना तो इन दोनों का स्क्वायर है ना क्यूब है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो टर्म्स का क्यूब आ रहा हो तो आप बोलेंगे कि ये टाइप नंबर फोर है। और इसके अंदर इस बात को भी जहन में रखें, जरूरी नहीं है ये दोनों एक साथ हो, एक पहले नंबर पे है तो दूसरी चौथे नंबर पे भी हो सकती है। लेकिन जहां पे भी हो, जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टर फॉर्म में लाएंगे तो इन दोनों टर्म्स को साथ रखना है। और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो याद करके ब्रैकेट लगाते हुए इसका हम क्यूब ले लेंगे और इसका भी हम क्यूब ले लेंगे। आपको मालूम ही है कि 2x का क्यूब जो है वो 8x क्यूब होता है और 3y का क्यूब जो है वो 27y क्यूब होता है। इसी तरह ये दोनों टर्म या तो कॉमन आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा। क्या आएगा? 1 कॉमन। तो अभी इसमें से जैसे कि हमने इससे पहले वाली टाइप में भी, टाइप नंबर 3 में भी यही दो टर्म रखी थी। क्वेश्चन हम अपने खुद बनाते हैं ताकि उसमें आसानी नजर आए, कोई ऐसी परेशानी ना हो, क्योंकि टेक्निक टाइप्स पहचान के साथ आप सीख लें। यहां पे मैं आपको एक बात यहां पे बताऊंगा कि जब आप कोई क्वेश्चन सीखें तो पहले उसी को ही करें और देखें कि आपके तरीकेकार और आपके टीचर के तरीकेकार में कोई फर्क तो नहीं है। अगर फर्क है तो पहले उसको सही करें और सही करने के बाद फिर आगे वाले क्वेश्चंस को ट्राई करें। समझ आ रही बात? तो अब हमें इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने इससे पहले भी ये किया था 2xy, ठीक है। और अब तक तो आप माशाल्लाह काफी जीनियस हो गए होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं फैक्टराइजेशन की, तो यहां पे 2x, यहां पे है माइनस के 3y, ठीक है ना। अब यहां पे पहले टाइप नंबर 3 में स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, अभी यहां पे क्यूब का हो रहा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे कि हर टाइप में ही हमने ऐसे ही किया है कि ए की जगह जो एडिशन फॉर्म है प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 3y। तो हम जो एडिशन से प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आते हैं या सब्ट्रैक्शन फॉर्म से लाते हैं तो हमें ए और बी यहां से नोट करना होता है, फिर हम इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में ए की जगह 2x और बी की जगह 3y रख देंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला ए और बी के लिहाज से उसकी अरेंजमेंट बताई होती है कि ए और बी ने किस तरह वहां पे आना है। हम इस क्वेश्चन के लिहाज से कर रहे होते हैं इसलिए ए हमेशा हमारा चेंज हो जाता है, बी भी चेंज हो जाता है। और अब इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो a माइनस बी अभी हम लिख नहीं रहे, फिर उसके बाद a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये दो इन दो टर्म की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अब यहां पे हम देखते हैं कि a जो है वो 2x है और b जो है 3y, इसी तरह a जो है वो 2x 2x 3y 3y। और याद रहे कि ये आपकी टर्म जो है वो कंटिन्यू साथ चलती रहेगी और
आगे जाके इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। अब वही वाली बात जो बार बार आप सुन सुन के आप लोगों के जहन में भर जानी चाहिए कि बड़े ब्रैकेट में कभी भी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x2, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 6xy और इसी तरह ये 9y2। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लस का 2xy और 2x माइनस का 3y। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए कुछ चीजें हैं जो लाजमी होती हैं। ऐसा नहीं होता जो चाहो क्वेश्चन बना दो। कोई वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए किसी वक्त जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चन बनाने भी सिखाएंगे, लेकिन आप लोगों से शिकायत यह है कि आप मैसेज नहीं करते हमें, अपने बारे में नहीं बताते कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से हो रहा है। यकीनन अगर आप अपने मसले मसाइल बताएंगे तो हम इससे बहुत बेहतर और भी अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी दिलचस्पी लेना होगी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से, ये ब्रैकेट हमारा सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद देखें कि 2x माइनस का 3y हमने कॉमन लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये पूरे का पूरा तीन टर्म जो है हमारे ब्रैकेट के अंदर वैसे के वैसे ही आ जाएगा, और वहां से जो सेकेंड टर्म है या ये तो कॉमन आ चुका है, सिर्फ क्या बचेगा प्लस 2xy, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। अब क्या बोला था आपको कि बड़े ब्रैकेट में तो छोटा नहीं रहता, अक्सर बच्चे जो है यहाँ छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद फिर नंबर भी उनके कम हो जाते हैं, तो यहाँ तो ये तो इसी तरह से उतार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4x2 6xy प्लस 9y2 और यहाँ पे 2xy आ गया। और बहुत अच्छा हुआ कि कोई ऐसी बात आई जो आपको किसी क्वेश्चन में आती है, नहीं आती किसी में, यहाँ पे आ चुकी है। और अच्छा हुआ कि देखिए ये आपके पास कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे 6xy और 2xy, क्योंकि xy और 2xy सेम है, ये ऐड हो जाएंगे। तो मेरा अंदाजा है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है इसी तरह से तो 100 में से मेरा अंदाजा ये है कि 22 स्टूडेंट यहाँ, ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ के आ जाए, और बाकी के बच्चे जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो यकीनन इसको ठीक कर लेंगे। और करना क्या है हमें कि हमें इस 4x2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8xy प्लस 9y2। तो ये भाई हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन एक बात, वीडियो खत्म करने से पहले यहां तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि अब हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं और कुछ बात हमारी टाइप नंबर 3 के अंदर भी कभी बेशी रह गई है, वही बात यहाँ पे एक मौका मिला है हमें एक्सप्लेन करने का कि देखें इसका भी स्क्वायर आ रहा है, इसका भी स्क्वायर आ रहा है 3 टर्म्स के लिहाज से, और बीच की टर्म कम है ज्यादा है, टाइप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बारे में थोड़ा सा शुबा पड़ेगा कि ये आगे भी चल रहा है। याद रहे कि 3 टर्म्स की टाइप नंबर 2 और 3 में अगर इसने आगे चलना है तो x की और y की पावर कम से कम 4 होनी चाहिए, अगर 4 है तो टाइप नंबर 3 टर्म्स की टाइप नंबर 2 और 3 हो सकती है। अभी ये टाइप नंबर 1 या 4 हो सकती है क्योंकि इसके अंदर x की पावर 4 नहीं है, 2 है। तो अब मिडल टर्म अगर ब्रेक करते हैं तो देखें आप 2 फॉर्मूले का हमारे पास a और b, इसका निकाल लेते हैं तो a इसका 2x है और b इसका जो है वो 3y,
तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12xy बनता है। लेकिन अब आप ये देखेंगे 12xy जो बन रहा है उससे बेशक के प्लस में 4 कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी कमी पूरी कर भी देंगे कि 4 आपके xy कम है, तो अगर आप 4xy ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि 4xy का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, नहीं ना बनता, तो लिहाजा ये नहीं आगे चलेगा। समझ आ रही बात? इस सूरत में ना तो ये टाइप नंबर 1 है ना टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 का शुबा पड़ रहा है वो भी नहीं, क्योंकि जो चीज इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है उसका स्क्वायर भी बनना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि कमी हो तो स्क्वायर के लिहाज से हो, वो लेक्चर आप दोबारा देखिएगा आपको और अच्छा समझ आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये वाली टाइप खत्म हो गई, और उम्मीद है कि आपकी आज फैक्टराइजेशन की 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हमने अपनी तरफ से बेहतर करके आपको सारी समझा दी। अब फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, और आप लोगों को इल्म हो चुका होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हम एक टॉपिक मैट्रिक क्लास का करवाते हैं, फिर फर्स्ट ईयर का करवाते हैं, फिर सेकंड ईयर का करवाते हैं, तो अब हम यकीनन जो है वो साथ साथ हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। और अब अन करीब जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि MCQs जो कि ज़्यादातर बच्चों को नहीं करवाए जाते, हम उसे आपको लाजमी तौर पर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। तो लिहाजा अब आपको हम कुछ दिनों के बाद मैट्रिक के क्लासेस आगे कुछ टॉपिक्स समझाएंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।